वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार अभी सुबह के बाद चले गए हैं 2:40, इतना ही टाइम हुआ होगा। 2 बजे मैं आज उठा हूँ, फुल नींद पूरी की है। ठीक है, बहन भाई यार स्कूल नहीं चले इसलिए मैंने फुल नींद पूरी की है। फिर अभी जान मेरा कबाड़िए के पास, उनको लेके आने घर। इतना ज़्यादा आज कबाड़ घर से निकाला, वो सारा कबाड़ उठवाना है। और फिर इंशाल्लाह अगर ज़्यादा पैसे बने तो आज रात को पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे कबाड़ बेच के। फिर चलते हैं अभी उनको लेने। आपका नाम है अरे माया तो था लेकिन कबाड़िया ही बंद है, बैड लक, कबाड़ी बंद है। आप क्या कर सकते हैं, चलते हैं आप वापस घर। रात शाम को आ जाएंगे, शाम को नहीं, घंटे 2 तक आऊँगा तो आपको लगा तो ठीक है, तो कल ही अब करना पड़ेगा जो भी। बाकी घर चलते हैं अभी, आप उठा देंगे। देख रहे हो ये सारा कबाड़ निकला है। ठीक है, कबाड़ी स्कूटी भी गिटार कबाड़ सॉरी। और यार ये देखो मेरा स्केटिंग बोर्ड है, ये मेरे पापा लाए थे दुबई से मेरे लिए, जिसका एक टायर टूट गया था, बाकी सारे बिल्कुल ठीक हैं अभी तक। ये बस एक का जो गुम भी गया मेरे यहाँ से, लेकिन बाबा जी इतना मजबूत है ना इस पर। मेरी मामा के सारों ने, मामा तो मेरी से गिरी भी थी, लेकिन बड़ा मजबूत है, टूटा नहीं है अभी तक, चेक करो। लेकिन अब इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि ये है तो ख़राब ही। यादें मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी, जब दुबई से लाए आए थे। फिलहाल यार अभी चलते हैं ऊपर, नमाज़ पढ़ते हैं, आपको बाद में जाता हूँ। तोतू की फ्री फ्राई के लिए ठीक है, उस दिन ये बहुत ज़्यादा लंबा उड़ा था, आज उड़े सही लेकिन उस तरह का डराने वाला ना उड़े, आधे घंटे बाद आया था। चल जा उड़े, जा जल्दी तो तू चलना अच्छा चल नहीं रहा यार। और फिलहाल चेक करो ये रहा, सारे का सारा छत बिल्कुल क्लीन एंड क्लीन, क्या कहते हैं ये उड़ गया, स्वीट एंड क्लीन या फिर क्लीन एंड पता नहीं मेरा क्या कहते हैं, मैं भूल गया था। वो उधर गया, इधर से आएगा, इधर से ये इधर, ये देखो ये आया ये चीज। फिलहाल एक ग्राउंड हो गया, बाकी आपको ना बाद में कहता, मौसम चेक करो कैसा हो गया, बाकी मेरे बाद में। तो गाइस जब ये चेक करें हमारे घर का सारा कबाड़ निकल रहा है, चेक करें अभी कबाड़ भाई निकालने आए हैं, ये सारा कबाड़ अभी उनकी दुकान पे जाएगा। अगर आपको मैं जो बिखरी हाल जो है सारा काम लेकर जा रहा हूँ सामने उनके कबाड़ खाने पर, ये देखो आज 10 साल पहले उन्होंने पता कर लिया था कि कोरोना आने लगा, ये चेक करो क्या लिखा होगा कोरोना, लेकिन उनको कैसे पता कोरोना आने लगा, ये जिसने बनाया था मेरा तो वो फ्यूचर जानता था। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। फिर गाइस बाकी अभी हमारा कबाड़ बिक रहा है, हर कबाड़ बेच के आ गया, मैंने तो कहा था बहुत ज्यादा पैसे होंगे लेकिन ये पैसे मिले आपके भाई को। कौन नहीं, इसका पिज़्ज़ा आ जाएगा आज रात को, पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। मैं घर जाके बताता हूँ उनको, थोड़ी मेरी बेइज्जती होगी, बोलेंगे इतने काम पैसे ये उठाना मंगाना, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इतने का सामान बनाओ तो नहीं होने हैं, बाकी आपको घर जाके दिखाता हूँ। ओके 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 गाइस अभी फिलहाल जो है ना पैसे उसने हमें कम दिए हैं, मामा को बोल दिया था 60 रुपये किलो, उसने मुझे 50 रुपये दिए, उसने 50 रुपये से भी 50 रुपये किलो करो तो अभी उसने मुझे कम पैसे दिए हैं, 2500 बनते हैं 2100 दिए हैं। फिलहाल जा रहा हूँ दोबारा दुकान पे, अब देखते हैं यार क्या बनता है। तो गाइस अभी मैंने घर चले जाना, जा मैं घर चले जाऊँगा अभी यार, दाऊद के साथ मैं जा रहा हूँ एक मस्जिद में, पता नहीं कोई दर्स वगैरह होना है इस हराम फिजान के स्कूल, दर्द होना है इसके छोटे भाई के, इसने भी दर्द नहीं लेना ना मैंने लेना है, ये बिरयानी के लिए जा रहा है उधर, मुझे भी साथ घसीट के लेके जा रहा है, मैंने तो बिरयानी खानी भी नहीं है, इसने खुद बिरयानी खानी है। मैंने कहा तूने उधर क्या सुनने जाना है, मैं कहता है मैंने कुछ भी सुनने नहीं जाना, मैंने तो बिरयानी खाने जानी है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, तो मैंने कहा मुझे क्यों लेके जा रहा है, कहता है मैंने कुछ सुनने नहीं जाना इसलिए तुझे लेके जा रहा हूँ, पीछे बैठ के गप्पे मारेंगे, बिरयानी तेन घर नहीं लगती लानती। चले गाइस आपको जो आगे दिखाता हूँ, तो मेरे कूड़े कूड़े रंग 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 जटली जो तू कर था वो कर दोबारा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं अपने छोटे भाई के स्कूल चावल खाने चला गया, गाइस वहाँ पर चावल बहुत मजे के थे, रास्ता बहुत ही खतरनाक संभावना। तुम गिर गए,
अरे ये ध्यान से चला करो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। बहुत ही भयंकर रास्ता था। मेरे मुंह पे ना मार, मेरे मुंह पे दाना निकला हुआ। अच्छा अच्छा गाइस, ये देखिए अपनी जान पर खेल कर हम चावल खाने गए। रास्ते में मेरा फोन भी गिरने वाला था, पर हम चावल खाने से नहीं रुकने वाले थे। यस गाइस, वो आगे देखें, आगे बहुत बड़ा अब आगे उछलने वाला है। तो यार अभी हम बहाना मार के आ गए, हमने बोला कि हम घर जा रहे हैं, घर से कॉल आ गई है क्योंकि ऐसे बैठ जाएंगे ना, उन्हें वापस आने देना। कहते हैं ठीक है 15 मिनट तक आप, हमने कहा 15 मिनट तक आएंगे। कहते हैं ठीक है जल्दी आ जाना, ये तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा अगर, लेकिन हमें बिरयानी मिल जाएगी इतनी उम्मीद है। क्या ख्याल है तेरे? कुल्ले अले तू दर से सुन के आए, फिर तू गाना गाने लग गए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। तू भी तो सुन के आया। हाँ तो मैंने गाना थोड़ी गाया। बताओ उस दर्स में क्या बोला? उस दर्स में बोला है कि मुनाफिकों की दो बातें होती हैं, आगे से फिर हम बाहर, आगे से नहीं। मैंने सुनी बातें सुनने वाली है तो हम बाहर आगे देने तब आ जा। तो नहीं यार ये बातें हमने वैसे भी सुनी है। हाँ ये बातें हमने वैसे भी सुनी है। चले गाइस आपको बाद में। तो यार अभी मैं यहाँ से जाने का था वापस घर की तरफ। ठीक है चलते हैं अभी घर की तरफ। ये आवाज आई है किधर से? ये कौन है? ये कौन है? तुम कौन हो? मैं तेरा पियो। सारी स्क्रिप्ट तो खराब कर दी है कुत्ता। बाबा जी बिल्कुल लाल अंदर हो रहा है बयान। हम दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं थोड़ी देर में। जब चावल आया था इस बात पे मुझे क्रिटिसाइज ना करना, तुमने बयान नहीं सुना तो ये तो 40 मिनट का बयान है, वो हम वैसे भी यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं। तो गाइस अभी हमने बाहर ही बैठे हुए थे और सारा बयान खत्म हो गया। अभी फिर लाल देखो चावल लगने लगे हैं सारे बंदे नीचे आ गए। नीचे व्लॉग का कंटेंट बना दी तेरा व्लॉग, तेरी जो जो कमाई आती है वो बंद। अच्छा ठीक है फिलहाल अभी बिरयानी आते हैं। बिरयानी सोचा बस चल। दीन के रस्ते में निकलने का मजा दे, अल्लाह के रस्ते पे निकलने। गाइस हमें चाचा जी ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है अभी फिलहाल हम चावल खाने लगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अभी अब आपको चावल खाने के बाद। चल दीन के रस्ते पे निकलने का मजा दे। गाइस अभी हम चावल खा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। ये भी मुझे मेरी बहन से पता चला है कि ये जो मेरा छोटा भाई है ये आजकल बना हुआ है BTS आर्मी, और ये BTS की वीडियोस देखता है उनको लाइक करता है। इधर आओ BTS आर्मी है तू? BTS आर्मी है? सही बता तू BTS आर्मी है कि नहीं? तेरा ना बहुत बुरा होना। BTS आर्मी है सही बता। BTS है। उन खुसरों की आर्मी है तू BTS आर्मी। BTS है। इधर ही बाबा जी सारे बच्चे बद देने। आज BTS आर्मी है, कल किसी और खुसरियां दी आर्मी बन जैसी। लिहाजा जनू जड़ा ना रिमांड है तो लेना पैना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये सेट होना है नहीं तो सेट नहीं होना। BTS आर्मी है बता। BTS है। ले भी है तेरी आड़ी जरूरत है कि तू मेरे आगे बोले कि मैं BTS आर्मी हूँ। एंजो चल चल इज्जत नाल बह, इज्जत नाल चल। तेनू तो आज मैं सेट करा तू जड़ी BTS आर्मी बने है। चल अज तेनू आड़ी पैनी है कि तू याद रखेगा BTS आर्मी है। दस आखिरी बारी पूछनी है, आखिरी बारी पूछनी है BTS आर्मी है मैं है मैं है मैं। अच्छा एडी जरूरत कर रही है तू BTS आर्मी है तू? मेरा भरा हो क्या BTS आर्मी? मेरा भरा हो क्या BTS आर्मी? BTS आर्मी है तू? BTS आर्मी है पुट्ठा हो ना तेनू ते। अज मैं तेरा सूत्र करा ना, तू जेड़ा BTS आर्मी वड्डी बनी है तेरा ओ मैं हिसाब करना, तू सारी जिंदगी BTS दा नाम लेना अपने मुंह तू। ना तू रहा इस तू बाद BTS दा।
चलो गाइस इस व्लॉग को यहां पर एंड करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मान लिया, अल्लाह हाफिज़।